राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिली बंपर जीत पर आज बीजेपी सांसदों ने पीएम मोदी का सम्मान किया। सुबह करीब 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू हुई। 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही बीजेपी इस जीत को पीएम मोदी के सिर पर पहना रही है। आज इसे लेकर एक और खास कार्यक्रम रखा गया है। बता दें कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये जीत अकेले मोदी की नहीं है, ये सामूहिक जीत है, सबने मिलकर काम किया। प्रधानमंत्री जी हमेशा अपने को कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री के रूप में प्रधान सेवक और देश की जनता की रक्षा के लिए अपने को चौकीदार, इन्हीं सब बातों को लेकर के हमेशा अपने को बताते रहे और उस पर काम करते रहे। तो ये सही भी है, उन्होंने जो बोला है कि अकेले जो है ये हमारे सभी एक किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की, पार्टी के जो लोग हैं उनकी और जो पार्टी को मतदाता वोट दिए हैं उनकी सबकी एक जो है सामूहिक जीत है और इसको ही उन्होंने माना है। उन्होंने कहा एक व्यक्ति विशेष की जीत नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की और जो हमारे सपोर्टर्स हैं उनकी जीत। 2024 के लिए कुछ विशेष उन्होंने कहा या फिर नहीं? ये है और इस पे तो अभी देखिए एक जो विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में निकली है, उस विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी सभी लोगों को जुड़ना चाहिए और इस 9 साल में मोदी जी की सरकार ने क्या क्या किया है वो जनता के बीच में जा रहा है और 2024 का निर्णय विकसित भारत बनाने के लिए जनता को सोचेगी और ये चीज़ें लोगों तक जानी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। जो हमारे लाभार्थी हैं उनको भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि मोदी जी ने क्या क्या किया है। मोहुआ मोइत्रा ने आज एक बयान दिया है, उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह ने कल ये बोला था कि जश्न मना रही है, ठुमके लगा रही है ममता बनर्जी और बाद में गिरिराज सिंह खुद ही अपने बयान से मुकर गए, झूठ बोलते ही है। बीजेपी वाले महिलाओं के ना अथॉरिटी दिया है ना महिलाओं को सम्मान दिया है, ये तो खुद ही मनरेगा में 7,000 करोड़ रुपए चोरी करके बैठे हुए हैं, कुछ दिया ही नहीं है, इस तरीके से बीजेपी वालों की प्रवृत्ति है, क्या कहेंगे? देखिए महिलाओं के सम्मान के लिए अगर देखें तो उनको ये भी देखना चाहिए कि राशन कार्ड महिलाओं के नाम, शौचालय महिलाओं के नाम, गैस सिलेंडर चूल्हा महिलाओं के नाम क्या, और ये सारी सुविधाओं के साथ साथ में जो आवास दिए गए वो भी महिलाओं के नाम दिए जा रहे हैं और अभी महिला सशक्तिकरण पे 33% महिलाओं को विधायिका में भारत के संविधान में संशोधन करके पार्लियामेंट और विधानसभा में भी उनको आरक्षण देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। अगर कोई व्यक्तिगत अपना बयान देता है तो उस व्यक्तिगत बयान उनका होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार महिलाओं का पूरी तरह सम्मान करती है और महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, टॉप स्टोरी न्यूज़।